लगता है इन दिनों विराट कोहली का ध्यान क्रिकेट से ज्यादा सोशल मीडिया पर है। तभी तो वे सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों को ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। हर बार वे सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच में कूद पड़ते हैं, फिर चाहे उनकी कप्तानी का सवाल हो, उनकी धर्म पत्नी अनुष्का शर्मा की ट्रोलिंग हो या फिर मोहम्मद सामी का मुद्दा हो, वे भूल जाते हैं कि उनका काम क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में हमारे देश को जीत लाना है, खास तौर पर तब जब वर्ल्ड कप चल रहा है और आपकी कप्तानी में टीम ने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के खिलाफ बड़ा मैच गंवा दिया है। ऐसे में तो कप्तान का पूरा फोकस अपने खेल पर ही होना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया पर अगर सामी के खिलाफ दो लोग लिखने वाले हैं, तो 10 लोग उनके पक्ष में खड़े होने वाले भी हैं। जरूरी नहीं कि हर फीसदी सी बात पर विराट अपना बयान दे। आइए अब आपको बता देते हैं कि दिवाली पर ज्ञान बिखेरने वाले कोहली ने इस बार क्या नया ज्ञान दिया है। दरअसल टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। कुछ यूजर्स ने शमी के धर्म पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। उस दिन से चुपके चुपके विराट कोहली ये सब देख रहे थे और अब वे क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भी कप्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे बिना रीढ़ के होते हैं, उनके पास किसी से आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है। विराट ने कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं जो अपनी पहचान छिपाकर इस तरह की हरकत करते हैं। आज के वक्त में ये रेगुलर हो गया है। ये इनकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर है जब वो किसी को इस तरह से परेशान करते हैं। हम अपने ड्रेसिंग रूम में माहौल को सही रखते हैं और अपने खिलाड़ियों को साथ रखते हैं। बाहर जो भी ड्रामा खड़ा किया गया वो पूरी तरह से उनकी गलतियों को दिखाता है। अब विराट कोहली इतना सब बोलकर भी कह रहे हैं कि हम बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। भाई साहब, आप अगर क्रिकेट पर ही ध्यान केंद्रित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर छिपे हुए लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सामी को जिन लोगों ने ट्रोल किया है उससे कहीं ज्यादा तगड़े जवाब सामी की ओर से देश के लोग दे चुके हैं। टूट गया कोहली सारी, हाँ आपका टूट गया जरी। इसलिए आप क्रिकेट में जीतिए क्योंकि लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं, देश की टीम को जीत भी दिलाते हैं। जिस दिन ये बंद हो गया तो लोग आपकी बात भी सुनना बंद कर देंगे, फिर घर बैठकर देखते रहना सोशल मीडिया पर। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा।